नमस्कार, मैं तनु बौद्ध। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां आज विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 128वीं जयंती के शुभ अवसर पर आदर्श जन कल्याण समिति द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नगला बूढ़ी में रखा गया, जहाँ इसका शुभारम्भ श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, राज्यपाल उत्तराखंड के पुत्र श्री अभिनव द्वारा अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण व मोमबत्ती जलाकर किया गया। उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब इस दुनिया में न आते तो समस्त मनुष्य एक पशु के समान ही होते। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष श्री भगवान दास, तुलाराम, सच्चिदानंदी, अजीत सिंह, अशमशेर भाई, सतीश, दीपक, योगेश, महेश, गौतम, मनोप्रकाश आदि लोग मौजूद रहे। आगरा से प्राइम न्यूज 24 के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। आपकी अच्छाइयों के सर, अच्छाइयों के नहीं है। अगर अच्छाई नहीं होती तो बाबा साहब के चरण में यहाँ मिलते नहीं होते। नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं। जो जीवन में सर बन गया वो अपने आपको याद करना चाहिए जो हम लोगों के लिए करके जाए। आपने मिटेगा जरा भी नहीं, आपने मिटेगा बातें उनको हमें आज स्मरण करना चाहिए और उस पर बिना संदेह चलते रहना। मेरे तरफ से यही एक और सबको अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। ये हमारे राजेश बाबू हैं। सेवा चल रहा है क्या? बंद कर लूँ मैं। दीपक से बात करूँ। मेरा नाम राजेश है, मैं नगला बूढ़ी का रहने वाला हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बाबा साहेब का जन्मदिन मैंने हम जो अल्लाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। भारत रत्न भीमा डॉक्टर भीमराव का जन्मदिन 1 से 28 जन्मदिन मनाया जा रहा है। यह नगला बूढ़ी निवासियों की ओर से आदर जनता समिति के तत्वधान में 32 साल से इसको मनाते चले आ रहे हैं। समिति के माध्यम से सामाजिक जो कार्यक्रम है बाबा साहब के तत्वधान में जितने भी कार्यक्रम होते हैं हम समिति के माध्यम से मनाते रहते हैं। आज हमारी तत्वधान में आधा जन का प्रभात फेरी निकाली जा रही है और शाम को नंगला बूढ़ी से एक झांकी भी निकाली जाएगी जिसमें सभी नंगला बूढ़ी निवासियों का उसमें योगदान है। आदर।
त्यौहार का समाज के लोग बड़े ही जोश और खुशी के साथ शामिल होते हैं और आधा जन समाज कल्याण समिति यहाँ पाठशाला खड़े हैं। यहाँ पे एक स्कूल भी चलाती है जिसमें हमारे गरीब निर्धन बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षा हमेशा दी जाती है और हमेशा बाबा साहब के बारे में समझाया जाता है। और हम किसी न किसी माध्यम से हर वक्त पूरी कमेटी है, पूरी टीम है नगरपुरी की, बाबा साहब मिशन को बढ़ाती रहती है, आगे चलती है। और मैं आप मीडिया के आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।